A spacecraft, where from the solar system, wasn't known to have any life. एनी वेयर एज एक्सेप्ट ऑन द्लानट और फिर वो कहते हैं स्पेस क्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट कहाँ से आ रहा था वो ऐसा मानते थे कि सोलर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ लाइफ जो है वो उन्हीं के प्लानट पर है टलू के फादर रिकॉल करते हैं एंशेंट टाइम्स को जब उन्होंने आर्काइव्स भेजे थे उनके एंसेशर्स ने काफ़ी सारे स्पेस प्रोग्राम्स भेजे थे सोलर सिस्टम में मैंड भी थे जिसमें लोग भी थे जिस में ऐसे भी थे जिसमें लोग नहीं थे मगर उन्होंने ये पाया था कि वो लोग अकेले थे और कोई भी ऐसा प्लानट नहीं था जिस पर लाइफ थी मगर अब क्या हो गया है एनर्जी की शॉर्टेज हो गई है और उनको अंदर अंडरग्राउंड रहना पड़ रहा है जिसकी वजह से वो कोई भी स्पेस प्रोग्राम नहीं भेज पा रहे हैं और दे कुड ओनली वॉच इम पेश इम्पोर्टेंटली फ्राम देयर वेंटेज पॉइंट हु वर दीज स्ट्रेंजर्स और उनके पास काफ एनर्जी की काफ़ी कमी हो गई थी तो फिर उन लोगों को सिर्फ अंदर ही रहकर ये देखना पड़ रहा था कि आसपास क्या हो रहा है और जो स्पेस क्राफ्ट जैसी चीज़ थी उसको भी वो अंदर रह के ही सिर्फ वॉच कर रहे थे कॉन्फ्रेंस रूम जो था सेंट्रल ब्यूरो का उसमें मतलब आउट व क्वाइट काफ़ी ज़्यादा चुप था और फिर जो आउटसाइडर थे उनको बहुत ज़्यादा आराम देख रहा था कि ये है क्या इट वॉज़ फुल ऑफ कैपेसिटी बट द मेम्बर्स ऑफ द सेंट्रल कमेटी वर अनयूजुअली क्वाइट दे न्यू द प्रेसिडेंट वॉज गोइंग टू मेक अ मोमेंटस अनाउंसमेंट मतलब वहाँ के जो सेंट्रल ब्यूरो के लोग थे वो शांत थे उनके पास कैपेसिटी थी कि वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं जो स्पेस आ रहा है मगर वो प्रेसिडेंट की अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे अब प्रेसिडेंट की अनाउंसमेंट होती है जो प्रेसिडेंट बोलते हैं कलीग्स की हमारे पास एक रिपोर्ट आई है कि कोई सिचुएशन में कुछ चेंजेस आए हैं प्रेसिडेंट थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और अपने पेपर्स को ऑर्डर में लगाते हैं फिर बोलते हैं कि दो स्पेस क्राफ्ट जो है वो हमारी तरफ आ रहे हैं एक जो है वो ऑर्बिट कर रहा है अभी तक हमारे प्लानिट की और हो सकता है कि ये जो आए हैं ये हमारे पड़ोस के किसी प्लानट से आए हों फिर वो कहते हैं हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए एक व्यू है कि हम लोग नंबर वन वॉज इन चार्ज ऑफ डिफेंस मतलब एक तो है कि हमें अपना डिफेंस करना चाहिए ही वॉज़ नोन फॉर हिस करेज एंड विजडम सर इफ वी विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दिस स्पेस क्राफ्ट विद आर मिसल्स फिर वो डिफेंस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर हम चाहें तो इन स्पेस क्राफ्ट को बहुत ही आसानी से मतलब उड़ा सकते हैं जो हमारे पास मिसल्स हैं उससे बट दैट वोंट मेक अस एनी वाइजर मतलब ये वाली चीज़ मिसल्स को उड़ा देना हमें कोई बहुत ज़्यादा होशियार नहीं बना देगा वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दीज क्राफ्ट अनऑपरेशनल इन स्पेस बट शुड दे लैंड वी कैन रेंडर देम इनफेक्टिव एनी टाइम वी चूज फिर वो कहते हैं कि अगर ये अभी तक स्पेस में है तो हम इनका कुछ नहीं कर सकते हैं हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है मगर अगर ये जो है मास के सरफेस पे लैंड कर जाएं तो हम इनको इनफेक्टिव आराम से बना सकते हैं आर रिपोर्ट से दैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बींग्स दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स तो जो उनकी रिपोर्ट्स आई होती हैं उनके सेंट्रल ब्यूरो से वो रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन जो स्पेस में कोई भी ह्यूमन नहीं है और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है इक्विपमेंट्स ही हैं तो फिर हम रिकमेंड करते हैं कि हमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए और सिर्फ चुप रह करके ऑब्जर्व करना चाहिए कि स्पेस क्यों आया है और क्या करना चाहता है क्योंकि हमें जो पता नहीं है ये जो इसके सेंडर्स हैं इसकी पावर के बारे में हम हम बिल्कुल डार्क में हैं कि जो लोगों ने स्पेस क्राफ्ट भेजा है उनकी इंटेंशंस क्या हैं और मतलब ये ज़्यादा कोई होशियारी नहीं होगी अपनी जो एग्जिस्टेंस है कि हम यहाँ पर रह रहे हैं इस बात को आ, मतलब बताने में अगर हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर इन्फेक्टिव कर दिया हम अपनी जो एग्ज़िस्टेंस है यहाँ पर मार्स पर इसको हम बाहर की दुनिया में रिवील कर देंगे प्रेसिडेंट देखते हैं एक नंबर थ्री जो ऑप्शन है वो एक सोशल साइंटिस्ट का आता है ही रेयरली अग्रीड विद नंबर टू बट दिस वॉज वन ऑफ दोज ओकेजन वेन ही डिड ये एक थर्ड जो ऑप्शन आता है वो एक सोशल साइंटिस्ट का आता है वो मतलब वैसे किसी चीज़ के साथ बहुत जनरली अग्री नहीं होते थे मगर वो इस बार इस चीज़ के साथ अग्री हो गए वो कहते हैं कि मैं जो नंबर टू है इसके साथ अग्री करता हूँ इनफैक्ट आई विल गो सो फार एज टू से दैट वी शुड कीप आर सरफेस एक्टिविटीज़ टू द मिनिमम दस क्रिएटिंग द इम्प्रेशन दैट देर इज नो लाइफ ऑन दिस प्लानट और वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि हम लोगों को इतनी ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ को कम कर देना चाहिए ताकि ऐसा सिग्नल जाए कि इस प्लानिट पर तो कोई लाइफ है ही नहीं फॉर्चुनेटली आर सर्विस कंडीशन डू गिव दैट इंप्रेशन और जो वो कहते हैं कि ऐसा है कि जो हमारी सर्विस की कंडीशन है वो ऑलरेडी ऐसा इंप्रेशन देती हैं कि यहाँ पर कोई लाइफ एग्जिस्ट करती ही नहीं है और बिफोर की मतलब प्रेसिडेंट कुछ बोल पाए और ज़्यादा ही लिफ्टेड द रिसीवर एंड लिसन क्वाइटली फॉर अ मिनट कलीग्स ही अनाउंस द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हैड लैंडेड और फिर आगे कुछ बोल पाते इसलिए उससे पहले ही उनको पता लगा कि जो पहला स्पेस क्राफ्ट है वो लैंड कर चुका है मार्टियन सरफेस पर मतलब मार्क्स के सरफेस पर लैंड कर चुका है इट वॉज़ अ रेड लेटर डे इन टलूज लाइफ द डे ही वॉज़ वेटिंग फॉर और ये वाला जो रेड लेटर डे बड़ा ही इंपॉर्टेंट डे था टुल्लू की लाइफ में जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था फॉर इज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम टू द कंट्रोल रूम क्योंकि उसके फादर टिल्लू को अपने साथ कंट्रोल रूम में ले गए थे जहाँ पर वो देख सकता था जो एलियन स्पेस आया था वो उसको टी स्क्रीन पर ईजिली देख सकता था फिर वो कहता है कि कितना ज़्यादा फ़नी लगता है डैडी वॉट डज इट कंटेन इसमें क्या होगा हिज फादर शोकेड वो अपना सर हिलाते हैं कहते हैं कि हाँ ठीक है फ़नी लग रहा है मगर हमें पता नहीं है एक्चुअल में कि इस स्पेसक्राफ्ट में है क्या वी आर ओनली अलाउड टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम फार हम लोगों को सिर्फ इतनी ही परमिशन दी गई है कि हम इसको दूर से ऑब्जर्व कर सकें इसको देख सकें कि ये क्या है बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट्स एंड कैन एक्सरसाइज आर पार इफ इट इज़ अप टू एनी मिशीफ मगर अगर ये कोई हमारे साथ प्रॉब्लम करने की क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो हम इसको डिसफंक्शन भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं

एक ही तक देख रही होती है स्क्रीन की तरफ कि बाहर जो स्पेस क्राफ्ट है उसमें क्या हो रहा है एक क्या होता है मकैनिकल हैंड उस स्पेस क्राफ्ट से निकल के आता है और वो सरफेस की तरफ अप्रोच कर रहा होता है प्लानेट के झुकता है और सॉइल के कुछ सैंपल लेता है फिर वो लोग कहते हैं कि ये क्या करना चाहता है मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं स्क्रीन की तरफ बहुत ध्यान से देख रहे देख रहे होते हैं फिर जो टेलीस्कोपिक लेंस होता है टीवी के कैमरा में वो जूम हो जाता है और वो मैकेनिकल हैंड की टिप पर मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करता है टिल्लू बहुत ज़्यादा स्टेयर मतलब घूट के देख रहा होता है कंट्रोल पैनल को जो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बटन्स लग रहे होते हैं और एक उसके अंदर इरेजस्टेबल डिज़ायर होती है एक मतलब ऐसी वो होती है अच्छा जो वो रोक नहीं पाता है कि इनमें से कोई ना कोई एक बटन जो है उसको दबा दिया जाए होल्ड हिम टू प्रेस और फिर वो एक रेड बटन दबा देता है दे वो श्रिल विसल एंड टिल्लू फाउंड सेंटर ऑफ अटेंशन वो रेड कलर का बटन दबा देता है और फिर एकदम से अजीब सी वॉइस आती है और फिर सबके सब टिल्लू सब की तरफ देखने लगते हैं टिल्लू के फादर उसको दूर हटा देते हैं और एंड रिस्टोर द रेड बटन टू न्यूट्रल पोजिशन बट द डैमेज वॉज डन और फिर क्या होता है उसको हटा देते हैं और फिर जो बटन होता है उसको पहले वाली कंडीशन में ले आते हैं मगर जो प्रॉब्लम थी डैमेज होना था वो हो चुका होता है मकैनिकल जो स्पेस क्राफ्ट होता है वो काम करना बंद कर देता है क्या होता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है नासा में वो मतलब साइंटिस्ट ब्रीफ करते हैं कि एवरीथिंग जो है विकिंग में वो स्मूथ जा रहा है मगर एक स्मॉल छोटा सा हिच आया है छोटी सी प्रॉब्लम आई है कि मैकेनिकल हैंड जो है मार्टियन सरफेस की जो सॉइल ले रहा है वो थोड़ा सा फंक्शन करना उसने कम कर दिया है मगर हमें उसके रीज़न नहीं पता है ऐसा क्यों हुआ है मगर टेक्नीशियंस जो हैं कॉन्फिडेंट हैं ये सब जो चल रहा है ये वाले जो नासा ब्रीफ कर रहा है ये सब अर्थ पर चल रहा है इससे पहले की जो स्टोरी थी वो सारी की स्टोरी मार्स पर चल रही थी मार्स पर लोग अंडरग्राउंड रह रहे थे उनकी स्टोरी थी अब आ रही है नासा की स्टोरी वो बता रहे हैं कि जो मैकेनिकल हैंड है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है मगर जो हमारे इंजीनियर्स हैं टेक्नीशियंस हैं वो जो ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स देयर वाज अनदर प्रेस रिलीज फ्रॉम नासा फिर थोड़ी देर बाद नासा की एक और प्रेस रिलीफ आती है वो क्या होती है मैकेनिकल हैंड जो है वो काम करने लगा है और वो कहते हैं थैंक्स टू आर टेक्नीशियंस सॉइल सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं और सून ही हमें आंसर मिल जाएगा कि मार्स पे लाइफ है या नहीं है फिर आगे बोलते हैं कि लाइफ ऑन मार्स मार्स पे जिंदगी मतलब सारे के सारे जो सोलर प्लानट्स पे हैं हमारे सोलर सिस्टम में उसमें से मार्स की ही ऐसी लोकेशन है जिसकी फिजिकल कंडीशन जो है वो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हैं तो साइंटिस्ट जो हैं जो विके, विकिंग विकिंग मिशन के पीछे थे वो होपफुल थे कि जो लाइफ है वो मार्स पे मिल जाएगी बट उनको डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगी और विकिंग जो मिशन था उसने कोई भी साइंस ऐसे नहीं दिए जिससे पता लग सके कि मार्स पे लाइफ एक्जिस्ट करती है तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच